टू फुलफिल माई ड्रीम्स, सबका जो अंदाजा होता है कि पढ़ाई खत्म करके कमाना शुरू करेंगे और उसके बाद जिंदगी बनाएंगे, अपना भी वही था. आई हैपन टू बी अ गुड चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, अच्छे स्कोर्स रहे स्कूल लाइफ में, पेरेंट्स वर ऑलवेज प्राउड, इनफैक्ट एवरीबडी इन द फैमिली हैड बिग होप्स, हाई होप्स फ्रॉम मी, सेइंग अभिषेक यू आर द वन हु विल डू समथिंग, हु विल टेक द फैमिलीज नेम इन टू लाइमलाइट. इट वॉज एन एडिशनल प्रेशर ऑन मी. मतलब कभी कभार मौज मस्ती हो जाए, थोड़े दो चार नंबर कम आ जाए तो घर वालों से प्रेशर आ जाता था क्या कर रहा है. परफॉर्मिंग इन टेंथ वॉज अगेन, इट वॉज अ सिचुएशन ऑफ प्रेशर. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट स्कोर ग्रेट मार्क्स, बट माई फादर वॉज वेरी एडमिंट, बहुत जिद में थे कि नहीं तुझे इंजीनियरिंग ही करनी है. ही हैड थॉट ऑफ माई करियर. आई वॉज ऑल्सो नॉट केपेबल इनफ टू डिफेंड माई सेल्फ और बोलू उनको कि नहीं मुझे ये नहीं ये करना है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था, जैसा आप बोलेंगे कर लेंगे. सो माई फादर थॉट मी टू बिकम एन इंजीनियर एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन इंजीनियर. आई वेंट इन टू डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज. आई परस्यूड डिप्लोमा, मैंने 3 साल डिप्लोमा किया, अच्छे परफॉर्मेंस थे, अच्छे ग्रेड्स थे, टॉप किया. उसके बाद में आई हैपन टू कम हेयर इन पुणे विद द होप ऑफ सिक्योरिंग अ हाई पेइंग जॉब. हाई पेइंग क्यों? क्योंकि When I used to think कि मैं अच्छा महसूस कब करूंगा, when will I be called a successful guy? When my package will be good, when I'll be earning in good numbers. I had put aside certain companies, कुछ companies अपने दिमाग में रखी थी कि इनमें से किसी company में अपने को job चाहिए. और Microsoft, Infosys was one of them. Infosys had a special arrangement with my college, जहां पर university का ask था 60%. To get into interviews of Infosys, D.Y. Patil had an arrangement, a tie-up where 58% भी अगर आपके हैं तो they will allow you to sit in the campus interviews of Infosys. I was relaxed. मैंने कहा एक दो नंबर इधर उधर भी आ गए तो भी जॉब की उम्मीद तो है. And I was a confident chap right from the beginning, so I always knew back of the mind कि मुझे को नौकरी तो मिल जाएगी. So I was least bothered. मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगा कि अपना क्या होगा, अपने को पता था कुछ होना हो नौकरी तो मिल जाएगी. बट जिंदगी से आस्क कुछ और था और वो महसूस होने लगा था, स्पेशली पुणे आके. व्हेन आई यूज्ड टू सी, यहां पर बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे मैंने लोगों को लाइफ को एंजॉय करते हुए देखा था. व्हेनेवर आई यूज्ड टू पास बाय बिग मॉल्स, आई यूज्ड टू फील व्हेन विल आई बिकम केपेबल टू एंजॉय व्हाट मॉल हैज टू ऑफर. आई हैड लिमिटेड फंड्स इन माय पॉकेट, हैड गॉन सो मेनी टाइम्स इनसाइड द मॉल, हैव ट्राइड सो मेनी स्टफ्स एंड हैड टू गिव अप व्हेनेवर आई यूज्ड टू लुक एट द प्राइस टैग्स, ओनली फॉर अ सिंपल रीजन दैट आई डिड नॉट हैड इनफ मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. I could not ask my father कि मुझे आप ये जीन्स दिलाओ, for a simple reason, because I knew कि वो जिस तरीके से कर रहे हैं, I'm already thankful for that and I cannot ask more. I used to go to my college every day 2 kilometers walking, but never could have demanded or never could have asked my father for a bike. Even if I could have, I am very sure he could not have been able to give that to me. Why? Because we were working with in a constrained environment. एक middle class family से आया हुआ. बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाओं और ख्वाहिशों को कई बार सैक्रिफाइस करते हुए मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ते हुए देखा था. तो एक अजीब सी तलब, एक उबाल था कि कब जीवन में मौका मिलेगा और अपना नाम बनाऊंगा और वो सारी चीजें पूरे करूंगा और कभी भी प्राइस टैग देकर किसी चीज को मना करने का की नौबत नहीं आएगी. आई वॉज डेस्परेट इनफ टू क्रैक समथिंग, सम बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ, बिकॉज ऑफ विच आई विल बिकम रिच, आई विल फुलफिल ऑल दोज ड्रीम्स विच आर देयर, विच आर गिविंग मी बर्निंग सेंसेशन डीप विद इन. अच्छे मार्क्स होते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ नौकरी तो लग जाएगी, पर मुझे यह भी पता था कि नौकरी ऑल्सो हैड ए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी. मुझे पता था कि मुझे 20-25 हजार रुपए से इन शुरुआती तनख्वाह मिलेगी, तो मैंने मेरी जिंदगी का गोल बनाया था कि 40 की उम्र तक के मैं नौकरी करूंगा, मैनेजमेंट के लेवल तक पहुंचूंगा, जिस भी कंपनी में काम करूंगा थोड़ा बहुत कैपिटल इकट्ठा करूंगा, पैसा जमा करूंगा सेविंग्स में नौकरी की तनख्वाह से, और उसके बाद एक बिजनेस शुरू करूंगा. अगर ये बिजनेस हिट हो गया तो अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे, कार भी आ जाएगी, बड़ी बड़ा बंगला भी बन जाएगा, फॉरेन ट्रैवल भी हो जाएगा खुद का परिवार का, और जिंदगी बदल जाएगी. और अगर नहीं हुआ तो 40 के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, नॉर्मल जिंदगी जीएंगे. पर जिंदगी ने और ऊपर वाले ने कुछ और सोच के रखा था. वन फाइन डे आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लकी चैप लाइक यू, वेयर माई फ्रेंड थॉट दैट आई कुड बी ऑफ हेल्प टू माई सेल्फ, आई कैन बिल्ड समथिंग.
एंड इट वॉज दैट डे 19th of July 2006. सब मस्त चल रहा था जीवन में, लेकिन उसके बावजूद उसको लगा कि अभिषेक में कुछ बात है और ये कुछ कर सकता है अपने जीवन में, और उसने मुझे चूज किया और एक पास दी और ईबस की प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया और कहा कि इफ यू लाइक दिस, अगर तेरे को ये समझ में आ गया तो आई कैन टेल यू, यू विल रीच न्यू हाइट्स इन योर लाइफ एंड यू विल डू वंडर्स. मीटिंग देखी, मेरे को पूरा बताया कि ईबस क्या है, कैसे समझाया गया, जैसे आपको बताया. आई वॉज इन मिक्स्ड इमोशंस, इन मिक्स्ड थॉट्स. वन साइड ऑफ माई माइंड वॉज सेइंग कि यार कर लेते हैं ऐसा, इतने सारे लोगों ने कर लिया, बाइक आ गई, कार आ गई, लोगों के घर आ गए, लोग फॉरेन ट्रेवल घूम रहे हैं, लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी, इतना अच्छा बोल पा रहे, ऑटोग्राफ साइन कर रहे. मैंने कहा कहां मिलता है 21-22 साल की उम्र में इतना सब कुछ. दूसरा माइंड बोल रहा था ऑल द नेगेटिव थिंग्स, वेयर विल आई अरेंज द मनी, विल आई बी एबल टू डू दिस बिजनेस, क्या मैं कर पाऊंगा. फॉर्चुनेटली माई फ्रेंड टोल्ड मी एंड आई गॉट कन्विंस्ड. मैंने उस पर विश्वास रखा और ईबस ज्वाइन किया. इट वॉज थर्ड ईयर इंजीनियरिंग. बैक देन नथिंग वॉज एक्सेप्शनल, माई रूटीन वॉज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट. आराम से उठना, देर से कॉलेज जाना, लेक्चरर को गाली मारना लेकिन मजबूरी में अटेंड करना बिकॉज ऑफ अटेंडेंस का इश्यू है, डिफॉल्टर लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए. कब पीएल लगेंगे उसका इंतजार करना, पीएल लगने के कुछ दिन पहले जाकर टेकमैक्स पब्लिकेशंस की किताब खरीद के लाना और पढ़ाई की शुरुआत करना. हमेशा कोशिश करना 6 यूनिट कंप्लीट करना है, कभी नहीं कर पाना 4 यूनिट 4.5 यूनिट, उतना जाके अटेम्प्ट करना और उसमें से जो नंबर आया है. इट वॉज एज ऑर्डिनरी एज इट वॉज विथ एवरीबडी. Few great people were there in my class. I don't know how could they manage to score that big grades, that big marks. I was never one of those toppers though in engineering here in Pune. अपने 60% आ जाते थे, that was the ask. मुझे पता था मुझे 60% लाने हैं, campus placement में crack करना है and I have to secure a job. But then life had something else to offer. And I realized in this EBIS presentation, कि यार अभिषेक तेरे में कुछ बात है और तू कुछ बड़ा करने के लिए बना है, तू कहाँ अपनी कीमत कम लगा रहा है. And that day I realized, when I saw people of my age coming on stage and shouting with confidence, I will buy a car, I will buy a house, I have already done this, this. I asked myself a question, मैंने अपने आप से सवाल पूछा, पढ़ाई तो ये भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ये अलग कर रहा है कुछ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो चल रहा है वही मस्त है. मैं अपने आप को और कितना बेवकूफ बनाऊंगा. Everything was great till the time I was not part of this presentation. जब तक मैंने EBIS में लोगों को सफलता पाते हुए देखा नहीं था, तब तक जिंदगी में जो मैं कर रहा था वही बेस्ट था, क्योंकि मेरे लिए एक ही चीज थी कि परसेंटेज लाने है और नौकरी लेनी है. लेकिन जब मैंने ये देखा कि परसेंटेज ये भी ला रहे हैं, नौकरी इनको भी मिलेंगी, उसके अलावा ये कुछ कर रहे हैं, तब रियलाइज हुआ जिंदगी में बहुत कॉम्पिटिशन है, अगर अपना पैर जमाना है तो कुछ अलग करना होगा. सोचने की शुरुआत करी, क्या EBIS मेरे लिए है, क्या EBIS मेरे लिए है, क्या मैं कर सकता हूं. I asked continuously the whole night. I could not sleep. I was continuously talking to my friend, जिसने मुझे EBIS की presentation दिखाई. क्या सच में हो सकता है? क्या तूने कितने कमाया? तेरे कितने आए? उसके कुछ नहीं आए थे, लेकिन उसकी आंखों में और बातों में जो confidence था, जो opportunity देख के आया था, मैंने कहा चल तूने भी शुरुआत करी है, मैं भी तेरे साथ शुरुआत कर रहा हूँ. क्या अपना होगा? I was thinking about a brighter future for myself, for him. We were together thinking कि क्या हो सकता है, बाइक आ जाएगी. बहुत ज्यादा नहीं सोच पा रहे थे, पर बाइक भी सोच करना, we were experiencing goosebumps, क्योंकि हमें पता था कि बाइक लेना भी बहुत बड़ी बात है खुद के पैसों से. Did it demanded any extraordinary talent or skill set? मुझ में कुछ भी नहीं था बचपन से. अगर कोई मुझे बोला I was never an extraordinary child, the only thing that I had good in me was कि मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाता था और जिसकी वजह से पेरेंट्स खुश होते थे. That's it. This was the only asset. This was the only good thing that I had. मेरे साथ में कई लोग थे जो डांस में अच्छे थे, कई जो सिंगिंग में अच्छे थे, कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छे, कोई आर्ट फॉर्म में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है. मेरे में कोई खास बात नहीं थी. ऑब्वियसली मेरे पास अपॉर्चुनिटीज के विंडो पहले से ही कम थे. जब मैं ऐसे समा में आता हूं, ऐसे लोगों को देखता हूं जहां पर ऑर्डिनरी इंसान को कुछ स्पेशल करने का मौका मिलता है और वो कर भी जाता है, वहां से मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू करते हैं. वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं कि तुझे क्या चीज रोक रही है, व्हाई आर यू स्टॉपिंग योर सेल्फ. एंड आई हैड नो आंसर एंड द ओनली चॉइस लेफ्ट विथ मी वॉज टू ज्वाइन EBIS एंड आई ज्वाइन EBIS.
नेक्स्ट डे आई मैनेज टू अरेंज द मनी. इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था ही नहीं. क्यों नहीं था? क्योंकि मैं कुछ बड़ा देखकर आ चुका था और मुझे पता था कि इसके लिए जो भी करना है वो करना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं आने वाली बहुत बड़ी दौलत शौहरत और एक बहुत अच्छी हसीन जिंदगी से दूर रह जाऊंगा. द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रेजेंटर वॉज इनफ. लाइफ में एक अच्छी चीज देखी थी कि कोई भी चीज सामने आए तो उसको नेगेटिवली नहीं देखना है. आई विल नॉट बी सेल्फ क्रिटिकल. हमेशा कुछ भी लाइफ में आया तो आई थॉट लेट्स फर्स्ट थिंक की पॉसिबिलिटी है क्या, लेट्स आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन. अगर हो गया तो नेगेटिव, नहीं हुआ तो, बिकॉज देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे और बोलोगे तो पॉजिटिव होगा. दिस वॉज समथिंग दैट हेल्प मी टू मेक अ डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग ईबीज. आई थिंक आई मैनेज, मैंने पैसे अरेंज किए और हो जाते हैं. अगर बोलो सपने बड़े हैं तो तकलीफें छोटी हो जाती है और पैसे अरेंज हो जाते हैं, सारी समस्याओं का हल निकल जाता है. और अगर सपने छोटे हैं और मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आ रहे हैं तो छोटी चीज भी बड़ी लगती है, छोटी समस्या भी बड़ी हो जाती है और आप अपने आप को रोक लेते हो. आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, ही यूज टू फियर अ लॉट फ्रॉम M3 मैथमेटिक्स. मेरे साथ पढ़ता था सुबह 4 बजे तक और उसके अंदर M3 का इतना फियर था, इतना डर था, पढ़ाई करके पेपर देने नहीं जाता. I've seen it by myself. पढ़ाई मेरी भी उतनी हुआ करती थी. The only thing that helped me pass M3 in first attempt was the courage to take the first step and attempt the exam. मेरे साथ में बैठा हो मेरा फ्रेंड जो ईबीस की मीटिंग देख रहा था, वो उसी व्यक्ति की तरह था जो कि डर में बैठ गया था और डर पे जीत नहीं पा पा रहा था, डर को वो कंट्रोल में नहीं ला पा रहा था. और मेरे और उसमें सिर्फ यही फर्क रह गया कि मैंने फिर एक लीप ऑफ फेथ ली, एक कदम उठाया और मैंने कहा करके तो देखते, जो होगा देखा जाएगा. और ये सोच के ईबीस में आया. कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का कि मेरे को कोई बिजनेस की टैक्टिक्स ट्रिक्स तरकीबें आती है, कुछ नहीं. पर जिंदगी में कुछ खोने को ही नहीं था ना, इसीलिए पीछे पलट के देखे ही नहीं कि क्या जा रहा है. आगे ही बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और ईबीस में तरक्की मिलती गई. पता ही था ना कि बुरे से बुरा क्या होगा, नौकरी वो तो है ही ना, और अच्छे से अच्छा क्या होगा ईबीस में. सोचने लगे तो बहुत कुछ हो सकता है. हिम्मत बढ़ती गई, काम करने में मजा आया, लोगों को बताया अपनी सोच के बारे में कि ये क्या युवा क्रांति है जो ईबीस ला रहा है, कैसे लोगों की जिंदगियां बदलेगी, कैसे आम आदमी एक कार एक घर कम उम्र में खरीद पाएगा, कैसे दुनिया घूम पाएगा, कैसे सपनों को जी पाएगा, कैसे वो नौकरी वाली जिंदगी कितनी छोटी हो जाएगी जब अगर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे चलने लगेंगे तो, कैसे पैसा मिलेगा और पैसे को खर्च करने की आजादी मिलेगी. नौकरी में पैसा तो है लेकिन वक्त ही नहीं है इंसान के पास जो बहुत कमा रहा है, और जो नहीं कमा रहा है उसके पास वक्त बहुत है लेकिन करे क्या, पैसा ही नहीं है. कैसे ईबीस वो तीसरी कैटेगरी में आपको लाएगा जहां पर आपके पास वक्त भी बहुत है और ईबीस से कमाया हुआ पैसा भी, कि आप आलीशान जिंदगी जी पाए उस वक्त में. चीजें समझ में आने लगी. 21 साल की उम्र में एज ए स्टूडेंट बहुत ज्यादा तरकीबें नहीं समझती है दोस्त, होता है तो बस एक जुनून पागलपन जो मैंने महसूस किया कि बस करना है. जब वक्त मिलता तो लोगों के सामने आ जाते ईबीस के बारे में बात करने, चाहे वो कैंटीन हो कॉलेज की, चाहे वो क्लासरूम हो जहां पर लेक्चर ऑफ हो और टीचर नहीं हो, चाहे वो पीएल हो, चाहे वो दिवाली की वेकेशन पे घर गए, और जहां गए वहां पेन और पेपर उठाया और ईबीस के चर्चे करने की शुरुआत कर दी, क्योंकि एक जुनून था कि कुछ बड़ा करना है जीवन में, ईबीस में वो बड़ा काम करके दिखाना है, बड़ा नाम बनाना है, बड़ी टीम बनानी है. जुनून ने बुद्धि हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, कभी मतलब लगा ही नहीं कि खुद में कुछ कमी है. चुनौतियां बहुत आई, कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने हंसी उड़ाई ये सोच के कि तेरा नहीं होने वाला है, पर जो हंसने वाले थे वो आज भी हंस रहे हैं और जो करने वाले थे वो करके आगे निकल गए. परिवार में एजुकेशन लोन पर मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे पता था कि मेरी नौकरी के साथ साथ एक एडिशनल बर्डन है अगर मुझे लोन भी चुकाना होगा. ईबीस ने आकर एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर लोन 15,000-20,000 बहुत बड़ी चीज लगती थी, छोटे टाउन से आया हुआ था 20-25,000 रुपए भी बड़े लगते थे. सपने बहुत बड़े थे लेकिन
कमाने की काबिलियत जब अपनी मापू तो ऐसा लगता था 25,000 की नौकरी भी अगर लग जाएगी तो आई विल बी कॉल्ड एज अ लकी गाय। स्थिति आज भी वैसी ही है, नौकरियां नहीं लग रही है लोगों को, लग रही है उतनी ही लग रही है। आज इंजीनियरिंग का पैकेज, इंजीनियर 50% इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही, देश की हालत अभी भी ऐसी है, MBAs को नौकरी नहीं मिल रही, बदला कुछ नहीं है और बदतर ही हुआ है। समझने वाले समझ चुके हैं दोस्तों, खुद की जिंदगी किसी और के हाथ में देना, उसका नियंत्रण किसी और के हाथ में देना, ये सबसे बड़ा जुआ है जीवन का। और कोई सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात अगर होगी तो वो ये है कि जहां पर आप अपने जीवन का नियंत्रण लो और खुद के लिए खुद कुछ करो, वहां से एंटरप्रेन्योरशिप की बात शुरू होती है, खुद के लिए कुछ निर्माण करो। और बहुत बड़ी उम्र है या बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लगता यार, पिछले 11 वर्षों से मैं यूज कर रहा हूं, मिडिल क्लास फैमिली और एजुकेशन लोन वे मेरी शुरुआत थी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म काफी होता है, ये मेरा आज का तजुर्बा है 11 वर्षों का। ईबिज को वो प्लेटफॉर्म बनाया, कोई गॉडफादर नहीं था जो आकर बिजनेस सिखाए, यहीं पर दोस्तों के साथ ही ईबिज सीखा, जो कुछ सिखाया दोस्तों ने ही सिखाया, दोस्तों के साथ ही ईबिज किया, कोई बाहर वालों के साथ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वही हॉस्टल के रूममेट्स थे जिनको ईबिज बताया, वो ए और बी बने, सी बना, चेक आया, जिस माहौल में था उसी माहौल में अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करी, छोटे छोटे पल में छोटे छोटे कदम उठाकर नई नई चीजें सीखता था ईबिज की और उसे इंप्लीमेंट करता था, खुद के अंदर चेंज लाता था। वही था जहां पर पहली बार स्टेज पर आए तो लड़खड़ा रहे थे, जुबान बोल नहीं पा रही थी, धीरे धीरे यहां वक्त बिताया तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई ऑफिस नहीं खोलना पड़ा, कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, ईबिज की इस छोटे से प्लेटफॉर्म में इतनी ब्यूटी छुपी हुई थी कि जहां पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा करना होगा और ये बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना होगा इतना कुछ करने के लिए। बहुत मेरी जीवन में प्यार से कहते हैं ना, रंग घुल जाता है, शक्कर घुल जाती है पानी में, वैसा ईबिज मेरे में और मैं ईबिज में घुल गया, और कब मेरी इंजीनियरिंग ईबिज और मैं एक यूनिट बन गए पता ही नहीं चला। एक महीना, डेढ़ महीना, एक महीने में दो, डेढ़ महीने में दो, महीने में चार करने थे, मैं डेढ़ महीने में 50 की टीम कंप्लीट करके सिल्वर बन चुका था, तकरीबन 32,000 रुपए जो आपने देखे उसकी इनकम आ चुकी थी, मेरा आत्मविश्वास और बढ़ने लगा था, क्लास में दो चार लोग पहचानने लगे थे कि ये पढ़ाई के साथ साथ अभिषेक कुछ अलग भी कर रहा है। सम पीपल हु आर पॉजिटिव माइंडेड पीपल दे यूज टू लुक अप इन हाई रिगार्ड्स, सम पीपल हु आर ऑलवेज क्रिटिकल होते हैं हम सब जानते हैं, जिनका काम ही टांग खींचना होता है, मजाक उड़ाना होता है, दीज वर दी पीपल हु ऑलवेज क्रिटिसाइज, मैं पैसे कमा रहा हूं उसके बावजूद भी दे यूज टू डाउट ऑन मी माई सिस्टम, बट आई कुड नॉट हेल्प देम क्योंकि वो समझने की स्थिति में नहीं थे, जो स्थिति में थे वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे मेरी टीम में। पीपल यूज टू आस्क मी, चैलेंज मी, अपने बस में जो हो सके, नेगेटिव वाले लोग आकर हर तरीके से कोशिश करके मेरा कॉन्फिडेंस को तोड़ने की प्रयास करते थे, कहते थे नहीं होगा, चुनौतियां देके जाते थे कि जहां तेरी बाइक लाके दिखा, बाइक लाके दिखा, कई बार चुनौतियों को हंसी में भी टाल देता था ये सोच के कि ये तो समझते ही नहीं है इनके लिए क्या करना है, पर कई बार बुरा भी लग जाता था, बुरा लग जाता है तो अच्छा ही है, ईबिज में आकर और चार गुना मेहनत बढ़ जाती थी कि अब तो करके दिखाएंगे, जुनून और बढ़ता ही था, कम नहीं होता था। और बढ़ते हुए जुनून के साथ दो महीना तीन महीना बीता, जुलाई में ज्वाइन किया था, दिसंबर में परीक्षा आई, बड़ा ही अच्छा उदाहरण जीवन में आया, बहुत ही अच्छा तजुर्बा, बहुत ही अच्छा अनुभव, जहां पर पहली बार एहसास हुआ जो दुनिया में नहीं होता वो ईबिज में होता है। मैं एक महीना परीक्षा में था, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया, वक्त नहीं दे पाया, जितना वक्त मिलता था उतना ही दे पाता था, पर मेरे टीम में कुछ लोग थे जो औरंगाबाद में थे, जो बॉम्बे में थे, जो नागपुर में थे, अमरावती में थे, वो उन यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं आने की थी तो वो लोग फ्री थे, उनके पास वक्त ज्यादा था, मेरे नीचे में टीम मेरी वक्त देकर ईबिज कर रही थी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था मैं वक्त नहीं दे रहा हूं। अगर कहीं आज नौकरी का उदाहरण ले लो, अगर मैं 30 दिन कोई दूसरा पेपर लिखने अगर साइड में पढ़ाई कर रहा हूं और अगर जॉब पे नहीं जा रहे हो तो 30 दिन की मुझे शायद तनख्वाह नहीं मिलेगी, कॉमन सेंस है, नहीं मिलेगी, दो चार दिन की पेड लीव हो सकती है लेकिन एक महीने की छुट्टी थोड़ी कोई एम्प्लॉयर आपका बॉस आपको मुफ्त में तनख्वाह दे देगा, नहीं भी आया इसीलिए। पर लेवरेज इनकम क्या होती है, तब एहसास हुआ मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे नीचे वाले काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत पे उन्होंने तो कमाया ही कमाया, मैंने जाकर एटीएम कार्ड एग्जाम खत्म होने के 30-32 दिन बाद जब मशीन में डाला तो पता चला, जब मैं काम नहीं कर रहा था, जब बहुत कम वक्त दिया मैंने, उसके बावजूद ईबिज ने मुझे एक महीने के 80,000 रुपए इनकम दी।
बात 80,000 नहीं था, बात थी वो शिक्षा जो उस दिन मुझे मिली कि ये सिस्टम की खूबी है, जहां आप काम करो तो आपको फायदा मिलता है, आपके नीचे वाले काम करें तो भी आपको फायदा मिलता है। मैंने कहा मतलब कल जाके अगर कभी कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं भी काम कर पा रहा हूँ तो भी अगर मेरी टीम मजबूत है और जीवित है तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ₹80,000 आए थे, बाइक लेने का फैसला बना ही था। दिसंबर में छुट्टियां लगी, वेकेशन हुए, उसके बाद मैं रिजॉइन किया इंजीनियरिंग कॉलेज को जनवरी में। अब मन बन चुका था, थोड़े पैसे है, पर्याप्त राशि जमा हो चुकी है बैंक अकाउंट में कि मैं उस समय में आई यूज्ड टू लाइक पल्सर वेरी मच एंड ऑलमोस्ट मेड अप माय माइंड कि मैं पल्सर ले लेता हूं ऑलमोस्ट, बट लाइफ हैड समथिंग एल्स टू ऑफर। जहां पहले मैं छोटी सोच कर करके पैदल चलता था, लिफ्ट लेके पैसे बचाता था, ऑटो भी अवॉइड करता था, वहां पर बाइक लेने की पैसे आ चुके थे यूबिस की वजह से, पर मैंने बाइक नहीं ली। जनवरी महीना निकल गया, फरवरी महीना आ गया, 25 फरवरी की बात बता रहा हूं मैं, आज आपके सामने एक साल का, एक वर्ष का मॉडल दिखाया था और बोला गया था कि एक वर्ष के बाद अगर आप इसके अनुसार सेल करते हैं तो आपके पास 32 लाख रुपए की धनराशि आ सकती है, यू कैन अर्न एज मच एज 32 लाख रुपीज, एंड 32 लाख रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, वी ऑल नो दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्पेशली व्हाइल वी आर as a student or whatever we are doing, even if you start part-time EBS and you make this much money, it's a good amount of money. So, मैं तो 21 साल का था, 21 साल की उम्र में 2.5 लाख रुपए महीना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई थी मेरे लिए। To some extent, मुझे तो विश्वास भी नहीं आ रहा था, I was not able to digest that ये भी मेरे साथ हो सकता है। So, ऐसी सोच के व्यक्ति वाले को EBS मिल जाता है, थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, 80,000 रुपए तो बहुत बड़ी बात होगी एक स्टूडेंट के लिए। साल भर की पॉकेट मनी मिला लो तो 80,000 रुपए नहीं होती थी मेरी साल भर के, अभी इकट्ठा आ गए करे क्या ये भी नहीं पता, ज्यादा पैसा आया तो समझ में नहीं आ रहा खर्च कहां करेंगे। सोचा बाइक लेते हैं, फरवरी आ गया बाइक नहीं लिया। कुछ लोग कॉलेज वाले वही थे कैटेगरी के कुछ फ्रेंड्स लोग, दे यूज टू डाउट स्टिल, ये वो लोग थे जिन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, EBS करने का मेरा फैसला सही था, मैं ग्रो कर रहा हूं हर मामले में, सिर्फ इनकम में ही नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा एजुकेशन भी आ रहा है कंप्यूटर्स का, मेरे को स्टेज डेयरिंग भी मिल रही है, पर्सनालिटी भी इंप्रूव हो रही है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रहा है, थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है मेरी, नेम एंड फेम, आई एम एबल टू साइन ऑटोग्राफ्स एट सच अ यंग एज, नो देयर वर फ्यू पीपल हु वर जस्ट नॉट रेडी टू बिलीव इट, दे वर स्टिल लाफिंग। हो जाता है कई बार लाइटली ले लेते हो, कई बार बुरा लग जाता है, मुझे भी लगा। 7.5 महीने आपने एक साल में देखा, एक साल में 32 लाख के बाद प्रेजेंटर ने आपको कहा होगा कि अब तो शायद एक साल बाद अगर आप EBS में एक साल हमें देते हो तो हो सकता है कि एक साल बाद 32 लाख के बाद आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आए, जो कि मुझे विश्वास से आएगा। जैसी जिंदगी आप चल रही है वैसी तो नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। यू विल गिव समथिंग न्यू टू योर सेल्फ इफ यू विल हैव एडिशनल 32 लाख रुपीज विद यू, एवरीबडी विल डू, आई नो दैट। मुझे सिर्फ 7.5 महीने लगे दोस्ती EBS से अपने आप को यह बात समझाने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि अभिषेक अब तो ऑर्डिनरी नहीं रहा है, बाकी क्लास वाले और तेरे में फर्क आ गया है, तू अब कुछ अलग कर चुका है, यू हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग फ्यू थिंग्स एज एन एंटरप्रेन्योर विच आर मेकिंग यू स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। एंड व्हाट वाज दैट, इन जस्ट 7.5 मंथ्स देयर वाज अ पॉइंट व्हेन माय फादर कुड नॉट अफोर्ड अ बाइक फॉर मी, आई कुड नॉट आस्क द सेम, पैसे थे मैं बाइक नहीं ले पा रहा था, ज्वाइन किया था, एजुकेशन लोन था, उस बैकग्राउंड से, उस हम्बल बैकग्राउंड से आकर EBS अपॉर्चुनिटी जीवन में आई और 7.5 महीने बाद आई वॉज एंटरिंग इन माई कॉलेज ड्राइविंग माई ओन मारुति स्विफ्ट 6 लाख रुपीज का। Change. It's not about whether you like Swift or no, whether 6 lakhs is big or small for you, whether you already drive a car, that is insignificant here. What is most important is you are living a life of X level at this moment, and suddenly in a span of 7.5 months it shoots like this and you are at a next level. Mere class mein mere college walon ko
सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वो क्या एक्सप्रेशन थे वो इसके लिए भी प्रिपेयर नहीं थे, और वहां से उन चेहरों से मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। माई फैमिली वॉज स्टिल इन अ शॉक। My family was still in a shock. I bought the car in Nagpur. We did the puja and whatever we do in a family whenever any new thing is purchased. They were in a shock. Not because it was the first car of the family, but because they were only expecting good marks from their son, and this son was doing what they were expecting, but with that, he did something extra which has fetched a fruit, and fruit is worth cherishing. Fruit is worth cherishing. I still remember the face of my father and my mother. What a pride were they in. Oh my God. I still feel goosebumps. जब मैं जाता हूँ उनकी शक्ल को देखता हूँ, जब उनके सामने वो कार आई थी, I can still say that was one of the golden moment of my life, where they were not expecting anything of that sort, and it was given as a surprise to them, and the level of surprise was something different. I came back to my college. My friends were not in a position to address me. How could they? कैसे कर पाएंगे आप खुद सोचो, कैसे कर पाएंगे? अरे वो पूछे आकर ना पूछे उन्हें पता चल चुका था कि अभिषेक पुरोहित तरक्की कर रहा है। Now, after getting a car, I was Abhishek 2.0. अब सोच बदल चुकी थी, अब मैं एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन की तरह सोच रहा था। स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग में मार्क्स ला रहा था और लाऊंगा, पता था वो तो करना ही है, लेकिन अब लाइफ में कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करना है, बिकॉज जो पोटेंशियल मुझ में था, ये जो मैंने नहीं देखा, जो मेरे दोस्त ने देखा, अब वो मुझे भी दिखने लगा है। जब मैं मीटिंग में बैठा था, आई नेवर थॉट दैट आई कुड बिकम सो मच इन स्पैन ऑफ 7.5 मंथ्स, ऑनेस्टली। पर हुआ तो उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, मतलब अपने में कुछ बात है, और बहुत 98% जनता को पता ही नहीं होता है, 98% ऑफ द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड, दे एक्चुअली डोंट रियलाइज हाउ मच पोटेंशियल दे हैव। इन फैक्ट दे live their life, they live their life without exploring the complete potential. I could have done that as well. अगर मेरे जीवन में ओबीएस प्रेजेंटेशन नहीं होती तो मुझे क्या लगता कि मैं भी सिर्फ इंजीनियरिंग के 21 साल की उम्र में मैं भी सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बना। पर ये तो मुझे मौका दिया, मौका मिला, और मैंने मौका लिया, तब तो जाके पता चला, when my talent was put to test, when my potential was put to test, then I realized that I have something else to offer to this life as well. जब मैंने मौका लिया, दिया अपने आप को, जब मेरे potential को मैंने test किया, तब तो पता चला कि उसमें कुछ बात है, तो अपने potential को test तो दो, अपने potential को test करने के लिए कुछ मौका तो दो। You never know, you might be having far more and a better potential than what I have. But only thing about that is stopping you to reach those heights is you are not exploring enough, you are not daring enough, you are not taking that step of courage, that leap of faith ki haan apne abhi acha hoga, apan kuch alag ke liye aur bade ke liye bane. To maine ye faisla kyun liya?
सिर्फ वो मीटिंग में जब मैंने इतनी मोटिवेशनल बातें सुनी अपनी उम्र वालों को सफलता पाते हुए देखा, उस समय मैंने एक ही सवाल पूछा अपने आप से कि उस बंदे में क्या खास बात है जो तुझमें नहीं है अभिषेक। मुझे जवाब मिला, ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें, उसके पास सिर्फ एक मौका है। मतलब मेरे को पता चला मुझे भी एक मौका चाहिए, और ईबिस में मैंने वो मौका ढूंढा, ज्वाइन किया, और बस वही बात थी यार, नहीं तो मुझमें कोई खास बात नहीं थी। 21 साल की उम्र में मैं कार खरीदूं, एक टीम को लीड करूं, थोड़ा बहुत नाम कमा पाऊं, इस ऐसी मुझमें ना कोई बात थी, ना डीवाई पाटिल कॉलेज वाले मुझे वो मौका दे रहे थे। वो तो मुझे वही मौका दे रहे थे जो बाकियों को दे रहे थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने का, और उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी दे रहे थे जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, स्पेशली असाइनमेंट्स के टाइम पे सबमिशंस। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या बात छिपी है, पर क्या पड़ता है यार कि वो आप खुद अपने आप को बताओ या सामने वाला बताए, पता चलने से बात बन जाती है। मुझे सामने वाले ने बताया, मेरे दोस्त ने बताया कि तू कर सकता है, मैंने उस पर विश्वास किया। हाँ, विश्वास करना जरूरी, क्योंकि उस समय में मेरे अहंकार को लाकर अगर उसको बोल देता कि तू तो बस ज्वाइनिंग तेरे को चाहिए इसीलिए बोल रहा है, मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो मेरे जीवन में वो सुकून नहीं आता जो सुकून मुझे मिला जब मैं वो पार्किंग में जाकर अपने प्रिंसिपल की मारुति अल्टो के पीछे अपनी कार लगाता था ना, उसमें कुछ बात थी, कुछ तो बात थी। बहुत पोटेंशियल है हम सब में, जरूरत है एक मौके की और एक विश्वास की कि हम मानने की कि मुझ में है। अनफॉर्चुनेटली और अपब्रिंगिंग हैज लिमिटेड एज टू दैट एक्सटेंट कि हम 20,000 को ही अपनी असली पोटेंशियल मानते हैं। पर व्हाई डू वी वांट टू फॉलो द एवरेज पैकेज, जबकि उसी कॉलेज में कोई बेस्ट पैकेज वाला भी होता है, उस कॉलेज के बाहर कोई उससे भी ज्यादा कमाने वाला होता है, और इसी दुनिया में कोई जस्टिन बीबर जैसा भी होता है जो कि यंग उम्र में अपने टैलेंट को पहचान कर उसको मोनेटाइज करता है इस स्केल पे कि पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है, वही छोटी उम्र में। हर प्रकार के उदाहरण है, आपको और मेरे को देखने की जरूरत है बस। मेरे सामने ईबिस आया, ये उदाहरण आया, मैंने कहा मैं करता हूं, मैंने किया, मुझे उसके रिजल्ट मिले। अब आपकी बात, समवे डाउन द लाइन यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस मीडियोकर थिंकिंग कि नहीं मैं 20,000 के लिए बनाऊं, अपनी सोच को और अपनी कीमत को बढ़ाना होगा। वन थिंग दैट आई लर्न्ड ऑन दैट वेरी ब्यूटीफुल डे विद द डे विच चेंज माय लाइफ व्हेन आई सॉ ईबिस प्रेजेंटेशन लाइक यू वाज दोज वर्ड्स दैट केम फ्रॉम दैट स्पीकर्स माउथ। सब कुछ करना है यार जीवन में, लेकिन अपने आप को सस्ते में मत बेचना, नेवर सेल योरसेल्फ शॉर्ट। क्योंकि अगर तू तेरी कीमत कम लगाएगा तो बाकी दुनिया तो बैठी है और नेगोशिएट करने के लिए और बार्गेन करने के लिए, वो तो तेको और नीचे ही खींचेंगे। और यही हो रहा है, आप में बात है 10 लाख रुपए की, लेकिन आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप बोल रहे हो मुझे 20,000 का एक्सपेक्टेशन है, वो बोल रहा है मैं 15 से ज्यादा नहीं दूंगा, आपके अंदर डर है नौकरी नहीं मिली तो आप 15 में भी मान जा रहे हो। यही हो रहा है हमारे आसपास, आंखें खुल के देखे तो हमें लग रहा है कहीं से तो शुरुआत करें, बुराई नहीं है, शुरुआत तो होनी चाहिए, लेकिन अपनी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में कम मिले समझ में आता है, लेकिन जीवन भर इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। अगर ये आपने ही लिमिटेशन लगा ली, ये ब्रैकेट आपने ही अपने जीवन में लगा लिए, तो फिर कल को जाकर मृत्यु छैया पे बैठ के ईश्वर से आप शिकायत भी नहीं कर सकते कि भगवान मुझे भी मर्सिडीज चाहिए थी, दी क्यों नहीं, मुझे भी बंगलो चाहिए था, दिया क्यों नहीं, मेरे में क्या कमी थी, और अगर कमी थी तो मुझमें वो एक्स्ट्रा टैलेंट डाला क्यों नहीं, तू ही तो था बनाने वाला। भगवान आपको रिवाइंड करेगा कैसेट और आपको याद दिलाएगा तेरे में भी वो सारी बातें डाली थी, पर पार्किंग में जो मैंने दुनिया के लिए पार्किंग बनाई थी उसमें सबसे ज्यादा साइकिल टू व्हीलर थी, उससे कम इकोनॉमी कार्स थी, उससे कम लग्जरी कार्स थी, उससे कम शिप यॉर्ड्स थे, उससे कम हेलीकॉप्टर्स थे, उससे कम प्राइवेट जेट थे। वो कम इसीलिए थे क्योंकि वो वही लोग हासिल कर सकते थे जो कि अपने आप में विश्वास रखते थे, बोलते थे कि मैं उसके लिए बनाऊं। बनाया तो मैंने भी तुझे बाकी की तरह ही था, पर तूने ही तेरी कीमत साइकिल भी लगाई तो मैंने तुझे वो पार्किंग दिखाई।
तू अगर बोल देता कि नहीं मैं हेलीकॉप्टर के लिए बनाओ तो वो भी खड़ा ही था तेरे लिए. That was the day when I learned I will never sell myself short. अपनी कीमत सब कुछ करूंगा लेकिन कम नहीं लगाऊंगा, ना लोगों के सामने, ना किसी मंच पे, ना खुद अकेले बैठ के. अगर अपने आप से भी बात करूंगा और कल कभी मन में संदेह भी आ जाए कि क्या अभिषेक तुझे सच में लगता है कि तू हेलीकॉप्टर खरीदेगा, तो अपने आप को दो चाटे मारूंगा और बोलूंगा सब कुछ करना लेकिन अपनी कीमत कम मत लगाना क्योंकि तू बना है हेलीकॉप्टर खरीदने के. मैं समझता हूं बहुत सारे लोग ये नहीं कर रहे तो डर लगता है ऐसी सोच रखने के लिए, ऐसी बातें करने के लिए. लोग बोलेंगे तू पागल है, पागल है, पागल है. बधाई हो अगर लोगों ने आपको पागल बोलने की शुरुआत कर दी. ये पहली कदम है सफलता के रास्ते पे चलने की, पहली कदम. अगर मेजॉरिटी दुनिया की जनता आपको पागल बोल रही है, मतलब मान लो कि आप स्पेशल कैटेगरी में आ गए हो जो कि मैदान के उस बाजू में, आम आदमी ऑलरेडी उस जगह पर अपने आप को सीमित कर चुका है. मुझे खुशी होती है जब कोई बोलता है कि कैसी पागलों की तरह तेरी सोच है, कुछ भी बड़बड़ाता है, कुछ भी बातें करता है. मैं थैंक यू बोलता हूं भगवान को कि तूने मुझे ऐसा दिया है. ये मुझे रियलाइज करवाता है कि सामने वाला ये नहीं सोच पा रहा है ना, मतलब आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा टू बी ऑफर. और ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मैंने जीवन में इबिस में वक्त बिताकर अपने गुरुओं से सीखा है कि तू तेरी कीमत कम लगाएगा तो तुझे कमी ही मिलेगा. तू कीमत बड़ी तो लगा, कोई ना कोई मौका तेरे सामने आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी तेरे सामने और तू खुद ब खुद उस पर चलने की शुरुआत करेगा और सफलता पाएगा. पहले तू अपनी नजरों में अपनी कीमत बढ़ा, उस पर विश्वास कर कि तू कुछ बड़ा पाने के लिए बना है. 25,000 की नौकरी तो मुझे मिल ही रही थी दोस्त, वो मेरे किटी से कभी गई नहीं थी, मेरे कभी नंबर कम नहीं हुए. पर 25,000 की जब नौकरी मिलने के लिए इंफोसिस मेरी कॉलेज में आई ना, समय ने ऐसा रुख बदला कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मुझे फोन करके कहता है कि वेयर आर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू. बाय द ग्रेस ऑफ ईबिस एंड ऑल द अप्लायंस एंड एवरीबडी, आई वॉज इन अ पोजिशन टू से नो टू इंफोसिस. डेढ़ वर्ष हुआ था मुझे इबिस करते हुए, जब इंफोसिस कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी नौकरी देने मुझे. इन डेढ़ वर्षों में मैंने बहुत ज्यादा धन नहीं कमाया था, धन के बेसिस पे मैंने इंफोसिस को मना नहीं किया था. कमाई थी एक बड़ी सोच, कमाई थी एंटरप्रेन्योरियल सोच. जीवन में बनना है तो बिजनेसमैन बनना है, कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों के लिए जीना है. मुझे पता था, मुझे दिखता था कि जॉब में लिमिटेशंस है, जॉब में मेरी आजादी पूरी तरीके से भंग हो जाएगी. अगर मैं कहीं दूसरे देश में घूमने गया हूं और मेरे बॉस ने मुझे फोन करके बोला कि तुझे आना है तो मुझे आना है. मुझे मेरे माँ बाप से नागपुर में मिलने के लिए किसी त्यौहार पर अगर जाना है तो मुझे उसके लिए अर्जी देनी है. मेरी तबीयत भी खराब हुई है तो मुझे लोगों से इजाजत मांगनी है, मेरे मैनेजर से, मेरे बॉस से कि क्या मैं आज छुट्टी ले सकूं. मैंने जब इसका आंकलन किया तो मुझे पता चला कि ये तो कैद भरी जिंदगी और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए. जॉब मेरे लिए कैद से बराबर है. और मैंने वहां से ऊपर उठकर सोचने की शुरुआत करी क्या बेहतर जिंदगी मिल सकती है. और मैंने मेरी मौजूदा जिंदगी में झांक कर देखा तो मैंने कहा कि अगर मैं ईबिस कंटिन्यू करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा. मुझे सबसे पहले पैसा मिले ना मिले, मुझे ये स्टेज मिले ना मिले, मुझे नाम मिले ना मिले, लेकिन पहली चीज जो जीवन में मिलेगी, जो कि मुझे सबसे ज्यादा सुकून भरी रात की नींद देगी, वो है मेरे जीवन को जीने की मेरी आजादी जो मेरे हाथ में है. तो मेरे हाथ में रहेगी, मुझे यह आजादी दांव पे नहीं लगानी थी, ना किसी पैसे के लिए, ना किसी पोजीशन के लिए. मेरे को इंफोसिस अगर कल जाके सीईओ भी बनाने के लिए बोलती तो भी मुझे पता था कि लिमिटेशन है. कभी ना कभी चेयरमैन का फोन आ सकता है क्योंकि यह उसका अधिकार है और वो मुझे बोल सकता है कि तू ये नहीं ये कर. पर मेरे पास एक और रास्ता था जो मुझे दिख रहा था, वो था आजादी भरा रास्ता, जहां पर मैं बिना कोई दो नंबर के, बिना कोई गलत काम करे, अपने जीवन को उस अंदाज में जी सकता था जहां पर पूरी आजादी है, भरपूर पैसे कमाने का मौका है, उसे खर्च करने का मौका है, दुनिया देखने का मौका है. और मैंने उस रास्ते को चुना. फाइनल ईयर इंजीनियरिंग खत्म हुई, आई सेड नो टू इंफोसिस और मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं था.
मैं पैसों से भी इंफोसिस का जो ऑफर था उससे बेहतर पोजीशन पे आ चुका था बाय द ग्रेस ऑफ ईबिस, पर मैं विचारों से बहुत ऊपर आ चुका था, मैं मेरी सोच बहुत बढ़ा चुका था, मैं अपनी कीमत बहुत बड़ी बना चुका था अपनी नजरों में। मैंने इस रास्ते को कंटिन्यू किया। इंजीनियरिंग के बाद मेरे दोस्तों ने रेज्यूमे बनाने की शुरुआत करी, मैंने अपनी टीम बनाने की शुरुआत करी, ईबिस में ट्रैवल करने की शुरुआत करी, देश के कोने कोने जाने की शुरुआत करी। वो लोग आईटी कंपनी के एसी केबिन में बैठकर अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे थे, मैं उस समय एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन, भारत के कोने कोने चप्पे चप्पे घूम रहा था अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो करते गए, मैं ये करता गया। एक वर्ष बीता, दो वर्ष बीता, फ्रूट्स मिलने लगे, पहले भी मिल रहे थे अब भी मिलने लगे। उम्र के 26 वर्ष में मेरे जीवन में एक ऐसा अनुभव मिला जहां पर मेरे दोस्त लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब के लिए रेज्यूमे बना रहे थे, वो जाकर ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर पे हस्ताक्षर कर रहे थे, मैं सेल डीड पे हस्ताक्षर कर रहा था। मेरे पूरे जीवन भर, मेरी उम्र 26 थी, 26 वर्ष तक के मैंने मेरे परिवार को जिस घर में देखा था 1200 स्क्वायर फीट के, उससे बेहतर जिंदगी, उससे बेहतर घर देने का मुझे मौका ईबिस ने दिया और उनको इंडिपेंडेंट बंगलो गिफ्ट करते हुए मैं सेल डीड पे हस्ताक्षर कर रहा था। वक्त बीता ईबिस में आकर तो और निखरा, मेरी और सोच बढ़ी, मुझे समझ में आया कि ये काम खुद तो है ही लेकिन अपनी टीम के लिए भी करना है, अपने साथ लोगों को लेकर आगे बढ़ना है, और उस दिशा में और काम करने की शुरुआत करी। जब नौकरी वाला माइंडसेट होता है ना, तो अगर जूनियर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बनना है तो या तो पुराना सीनियर इंजीनियर प्रमोट होता है या वो डिमोट होता है, यानी किसी ना किसी की पोजीशन जाती है तब जाके आपको पोजीशन मिलती है। खूबसूरती ईबिस में मिली कि अगर आप डायमंड हो, गोल्ड हो, तो डायमंड कब बनोगे? जब दो लोग प्रमोट होंगे, कोई डिमोट नहीं होगा। आप डायमंड हो तो डिप्लोमेट कब बनोगे? जब दो लोग डायमंड बनेंगे, प्रमोट होंगे, कोई डिमोट नहीं होगा। आप डिप्लोमेट से सिल्वर डिप्लोमेट कब बनोगे? जब दो लोग डिप्लोमेट बनेंगे आपकी टीम के। मैंने मेरे टीम में मेरे साथ वाले लोग जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, उनके घर के सामने कार आती हुई देखी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते करते। वो समय ही कुछ और था। जब आप जिसको शुरुआत में कहते हो तू कार खरीदेगा और डेढ़ वर्ष के अंदर वो आपके सामने कार लेके आता है और आप भगवान को बोलते हो कि भगवान तूने तो सरस्वती बिठाई थी जुबान पर, देखा हो गया। दूसरों के जीवन में वो खुशियां लाने का जब मौका मिला तो मजबूती मिली अंदर से, तब पता चला कि खुद से ऊपर उठकर जो जीना है ना, उसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत मजा है, बहुत आनंद है। इतने उदाहरण आज टीम में मिलते हैं, हजारों की डाउनलाइन में, जहां पर अलग अलग शहरों में, गांव में लोग ईबिस करते हुए कुछ ना कुछ नया करते हैं, जिसकी वजह से वो खुश है, उनके परिवार में खुशी आई है। और जब वो मुझ तक बात आती है व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जब मुझे पता चलता है, अकेले बैठकर मैं डाइनिंग टेबल पर हंसता हूं, मेरी वाइफ कहती है क्या हो गया तुमको, पागल हो गया? मैं कहता हूँ अगर इसे पागलपन भी कहे ना तो मुझे खुशी ही होगी, बुरा नहीं है। जीवन में धन आया ईबिस से, नाम मिला, पोजीशन मिली, सोच बदली, आजादी मिली, इस बदली हुई सोच से जीवन को और अच्छे तरीके से जीने का एक अंदाज भी मिला। अब कार आई है, घर आई है, पैसा अकाउंट में जमा नहीं करना है, अब उसे अच्छी जगह खर्च करना है जहां से कुछ नई चीजें सीखे। और ट्रैवल से बेहतर क्या शिक्षा मिल सकती है जीवन में? कहते हैं द बिगेस्ट टीचर इज द वर्ल्ड इटसेल्फ इफ यू आर लकी इनफ टू एक्सप्लोर। एक सपना लिया कि 40 वर्ष से पहले दुनिया के वो सारे देश देख कर आना है, वहां की कल्चर, वहां की सभ्यता संस्कृति से रूबरू होना है जहां से मैं जीवित वापस आ सकता हूँ। और उस रास्ते पे चलने की शुरुआत करी। आज 3 साल हुए हैं ईबिस से, बहुत कुछ आया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन एक सबसे खूबसूरत तोहफा जो ईबिस ने दिया है वो है दुनिया देखने का। आज ईबिस की वजह से मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ भारत और भारत के बाहर। पिछले 3 वर्षों में
तकरीबन 25 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स हो चुकी है मेरी। बहुत अच्छा लगता है जब अपने टीम के साथ फॉरेन जाने मिलता है, जैसे हम सिंगापुर गए, दुबई गए, वहां के कल्चर से एक रूबरू होने का मौका मिलता है। पहले तो लगता था कि आई एम इन अ कॉम्पिटिशन, आई एम इन अ रेस विद माई फ्रेंड्स, आई हैव टू प्रूव दैट माई ईविज इज बेटर, बट आज उस दिशा में सोचने का दिल भी नहीं करता। आज समझ में आ चुका है कि आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम वो नौकरी वाला इंसान 1 करोड़ रुपए भी 1 महीने का कमाए ना नौकरी से, तो भी उसके जीवन में वो खुशी नहीं है जो कि आज़ाद जीवन आपको एहसास दिलाता है। आजादी भरी जीवन को जी पा रहा हूं, अच्छा खासा धन आता है। जितना मैं इंजीनियरिंग के उस रास्ते पे चल के आज कमाता, क्या कहूं मैं आपसे, अगर मैं मेरा रास्ता उस समय नहीं बदलता और इंजीनियरिंग के ही रास्ते पे चलता, तो जितना मैं पूरे जीवन पर्यंत नौकरी से कमाता, उतना तो ईबिज में चलते चलते मैं पिछले 10 वर्ष हुए उसी में मैं इनकम कमा चुका हूं। अभी आगे का जीवन बचा है और जुनून बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, अच्छी टीम बन रही है, देश भर में नेटवर्क बढ़ रहा है। कहीं भी जाता हूं सिर्फ ईबिस की मीटिंग इन्हें, किसी भी कारण से कभी किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर मुझे इस नेटवर्क की असली ताकत का अंदाजा आ जाता है। देखिए किसी भी कोने में हो, घंटों में वहां पर मदद पहुंच जाती है, घंटों में। अगर ईबिस में नहीं होता ना तो बहुत सीमित दुनिया होती मेरी, मेरे फेसबुक कॉन्टेक्ट लिस्ट। बट इस नेटवर्क ने मुझे वो ताकत दी कि यहाँ बैठकर अगर जम्मू में या कन्याकुमारी में भी किसी को मदद चाहिए तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। किसी को किसी भी प्रकार की, और कई प्रकार की मदद हम करते हैं, किसी को जरूरत पड़ती है ब्लड की, एक मैसेज पे ब्लड डोनर वहां पर पहुंच जाता है जिस भी अस्पताल में, देश के किसी भी कोने में। आज ईबिस का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने लाखों लोग आज ईबिस में एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी है। कहीं किसी को चोट लग जाए, कहीं किसी को हॉस्पिटल की जरूरत हो, किसी को किसी भी प्रकार की मदद हो, कोई बोर हो रहा है उसको कोई साथीदार की जरूरत हो कि वो मिल जाए, कोई किसी को शहर में, उसको नए शहर में पहुंचा वहां पर उस शहर की जानकारी देना है, एक मैसेज और एक फोन कॉल इज इनफ। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। सिल्वर डिप्लोमैट बना ईबिज में सिल्वर डिप्लोमैट बना, एज अ सिल्वर डिप्लोमैट, एज अ करोड़पति टुडे, आई हैव 1 हाउस, प्लानिंग टू बाई दी अदर 1, 2 कार्स, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द फर्स्ट 1 स्विफ्ट, बॉट अनदर 1 S-Cross, हैव ट्रेवल्ड टू मोर देन 20-25 countries, happily living my life with complete freedom as an entrepreneur, as an investor, and I take pride in that. I take complete pride in that. Like I said, you have potential, but only when you will put it to test. How much potential do you have will only be realized when you will put it to test. You have to put it to test. If you will not, you will underutilize what God has gifted you. Nobody else will be able to utilize that potential which is dormant in you. Only you will be. But for that, you have to take a call. You have to stand up. And what best time would it be if it's not now? You have to stand up now. The world needs a change. Our country needs young entrepreneurs. We are the young capital of this world. If we give ourselves a direction, the country will get one. Otherwise, बहुत आसान है country को बुराई करके नीचा गिराना, कि अपने देश में तो ऐसा हो रहा है। But if you take a stand, you will do something, and from you, lot of another youngsters will take inspiration, and they will do something, and that's how a big change will be realized. The country needs entrepreneurs.
जॉब सीकर्स नहीं, एवरीबडी सेइंग बिगेस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, बिगेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, आवर प्राइम मिनिस्टर, वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी सेइंग एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट द कंट्री नीड्स एंटरप्रेन्योर्स, दे डोंट नीड जॉब सीकर्स, दे नीड जॉब प्रोवाइडर्स, दे नीड पीपल हु कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल. And I feel pride to say that I fall into that category with you. Let's rise. Let's wake up now. No best day can come in your life. One of the great philosophers has said it so right. The best time to plant a mango tree was 20 years ago and the second best time is now. Second best time is now. Let's do it. We are doing it. We are doing our bit. And definitely we will create a change. And change is on its cards. We can't ignore what has already happened by the power of network of EBUS. But a bigger change is required in this country. Bigger, bigger, much bigger change. And for that, we need more power, more youth capital to be associated with us. We have a mission. We have a platform. But we need this young blood. We need this young mind. Who has limitless potential. We need an expanded mind. We don't need a narrow mind. Jo apni soch kam lagaye, jo apni keemat kam lagaye. We need an expanded mind. We need a youth. We need this blood. And if you take a stand and if you join hands with us, brighter India is very much on the cards. I can see it from here. Very, very near. Let's rise up. Let's join hands together. With these words, I would want to say thank you everybody who has invited me today. Everybody who has given patient words today to me. We have just started on this path and lot of things to be done. But we are determined that we will do it. I will make you meet another special person who has come from Bombay, who is also a silver diplomat. We have specially asked, he was there in Pune. As soon as हमें पता चला, we requested him that he can just share his blessings, share his presence on this very stage. एक बार जोरदार तालियों से the second silver diplomat